हमने पार्लियामेंट में मांग किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी क्या है। जेपीसी पहले भी 2001 में हुआ था और नरसिंह राव जी के समय में भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हुआ था। जेपीसी डेमोक्रेटिक परंपरा, इसको क्यों प्रधानमंत्री जी डरते हैं, यह प्रश्न उठता है। प्रधानमंत्री जी को ठोस जवाब देना चाहिए और जेपीसी परमिशन करना चाहिए। अगर जेपीसी परमिशन होगा तो सही बात जनता के सामने आएगी और सही बात जनता के सामने लाने की आवश्यकता है। भक्त चरण दास की हालत लगता है कांग्रेस के भीतर एक मानसिक रोगी जैसी हो गई है। मानसिक रोगियों का इलाज आगरा में होता है, रांची में होता है। अगर दोनों जगह न जा पा रहे हो तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंच जाइए, वहां भी निःशुल्क इलाज करा दिया जाएगा। भक्त चरण दास की उपस्थिति में उनकी टीम द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा बोलते आए हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उन पर टिप्पणी की गई है। नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक जीवन 5 दशकों का है। राष्ट्र के प्रमुख के रूप में या गुजरात राज्य के प्रमुख के रूप में 21 साल से अधिक समय से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इन 21 सालों में उन्होंने एक नए पॉलिटिकल ट्रेंड प्रो इनकम्बेंसी को साबित किया है। इन 21 सालों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ दिन ब दिन ऊंचा ही उठता गया है। उनके भाई उनके भतीजे जाकर देखें, कोई पतंग बेचता है, कोई ठेला चलाता है, कोई मंत्रालय में 10 से 5 की नौकरी करता है, कोई ऑटो पार्ट्स का दुकान चलाता है। ये 2G 3G और जीजाजी वाले लोग इन सब बातों को समझ नहीं सकते हैं। दरअसल भक्तचरण दास जी छत्तीसगढ़ के अंदर गौर से देखिए, खाने वाले और खिलाने वाले सब लोग कांग्रेस की भ्रष्ट संस्कृति से छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं। किसी के यहाँ सोना निकल रहा है, किसी के यहाँ लाखों करोड़ों रुपए का कैश निकल रहा है, कई लोग जेल के सलाखों के पीछे।